जुमे का दिन और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत बहुत बेटर है और फ्रेश तो आपको सामने लग रहे होंगे। और यहाँ पे जरा चल रहा है वर्ल्ड कप का मैच सुबह सुबह ही, और कौन सा भजन भी, ये तो बहुत हैवी वाला अपसेट होने वाला है। टू टाइम चैंपियन वेस्ट इंडीज की टीम, मुझे लग रहा है ये वाला मैच अगर हार गई तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज नहीं क्वालिफाई हो चुकेगी सुपर 12 के लिए। यार इससे बड़ा अपसेट क्या होता है। चलो छोड़ो मैच को तो छोड़ो, हम फ्रेश होते हैं जुमे के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अरे फिर जुमे के लिए रेडी, हाँ हाँ मजा आ गया शावर लेके, आवाज हल्की हल्की ठंडे ठंडे पानी से लिया ऊपर से सर्दियों में, वही अब करना पड़ेगा गर्म। लेकिन जुमे से निकलने से पहले पहले क्या लगाना है, हमने सबसे पहले लगानी है खुशबू। जरा जुमे भजन अच्छे तरीके से तैयार हुए, ईद की तरह तैयार होना जुमे के लिए, और पकड़ते हैं जल्दी से अपनी कीज। और हाँ भजन, जो अपसेट हुआ ना जो वर्ल्ड कप का, उसके बारे में जुमा जा कर कहते हैं तब भी बात करते हैं, क्योंकि ये छोटा अपसेट नहीं था, ये ह्यूज ह्यूज अपसेट हुआ। बाहर चलते हैं, बाहर तो भाई गर्मी ही है, लेकिन गर्मी नहीं है धूप निकली हुई है, और मैं अब जुमा अदा करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको जुमा अदा करने के बाद फिर मिलता हूँ। After offering Jumma prayer. अल्हम्दुलिल्लाह जी, जुमा अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहे हैं। और भाई भाई सर्दी लग रही है, मुझे लग रही है इतनी आज नहीं है जिस तरह की कल थी, उस तरह की तो बिल्कुल भी नहीं है आज, लेकिन मुझे लग रही है। मैं हालांकि सुबह एक्टिव था और मुझे फील हो रहा था कि एक्टिव, इंशाल्लाह आज की तबीयत, आज बड़ी तबीयत सेट हो गया, लेकिन मैं मस्जिद में बैठा हुआ था और तबीयत मेरी ऐसे डाउन हुई जा रही थी। अब कोई बात नहीं, घर पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेडिसिन वगैरह लेता हूँ, उसके बाद फिर हमारा और आप सबका फेवरेट सेगमेंट जुमे के दिन कौन सा था, कुरान आयत और हदीस, आज वो भी देखनी है कि हदीस है कि कुरान आयत है, वो इंशाल्लाह देखते हैं और इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट के अंदर। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद, आप सबको बहुत बहुत वेलकम, हम सब का आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट कुरान आया और हदीस सेगमेंट। तो आज हमारे पास क्या है, जैसा कि आपको पता है कि पिछले फ्राइडे हमने कुरान आया की थी, तो इस फ्राइडे हदीस सेगमेंट होने लगा है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज के हदीस जो शॉर्ट लिस्ट किया मैंने, द प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, कीप आस्किंग अल्लाह फॉर हेल्प एंड डू नॉट रिफ्रेन फ्रॉम इट। हमें अल्लाह सुबहाना ताला से मांगते रहना चाहिए और बाज नहीं आना चाहिए भाई मांगने, हमें अल्लाह सुबहाना ताला से ही हेल्प मांगनी है। हमने किससे मांगनी है, किसी इंसान से तो हमने मांगने से रहे, तो हमें अल्लाह सुबहाना ताला से बस रुजू, अल्लाह सुबहाना ताला आपने हमें प्रोवाइड करना है, आपने मुझे देना है, मैं आपके सारे बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं। अब ये नहीं है कि आप पेपर की चीटिंग के लिए कर रहे हो, मेहनत आपने करनी है अपनी, लेकिन अल्लाह ताला से अल्लाह मुझे याद आ जाए, मैंने याद किया है वो याद आ जाए, ये नहीं अल्लाह मैं याद तो किया नहीं, सारी रात मैं फोन देखता रहा, मैं ब्लॉग्स देखता रहा, मैं मूवीज देखता रहा, लेकिन अब पेपर नहीं आता यार, वो नहीं भाई, वो नहीं होने वाला। हाँ आपने याद किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे जहन में डाल दे, मेरे जहन में रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे जहन में डाल दे, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आपके पास आएगी। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते रहना चाहिए, हेल्प मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला मैं आपके सारे बैठा हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपने मेरी हेल्प करनी है, और तो कोई यहाँ पे ना कोई मेरी हेल्प कर सकता है और ना करने की किसी के अंदर सलाहियत है। हाँ आप ही सिर्फ कर सकते हैं और आप ही इंशाअल्लाह करेंगे, तो बेशक क्यों नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेंगे। हाँ अगर हम लोग कोई लोग मांगते ही नहीं मांगना नहीं अल्लाह सुब्हानहू, ये कैसे अल्लाह ताला, यार अल्लाह ताला ही करेंगे, एक दफ़ा आप करो तो सही। हाँ ये है कि गलत काम में नहीं मांगना, पेपर की चीटिंग के लिए मांगे अल्लाह मैंने चीटिंग करनी है, ये है नहीं, ये कोई सिस्टम नहीं है। अब बाहर से मुझे आ रही हैं आवाज़ें, ये जुमा पढ़ने के बाद भी बाज नहीं आए, तो जरा बाहर इन्हें देखते हैं। आज अरे भाई ये क्या चल रहा है, ये बॉलिंग करने लगा है, ओए नहीं ये क्या ऊपर ऊपर ऊपर, अरे भाई ओए कैच, ये तो आज कैच क्या चल रहा है, ऊपर आई कौन पकड़ेगा, छोड़ दिया यार क्या कर, ओए अग्रेशन। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, का क्या हाल है यार, का हाल है, देखो तबीयत की वजह से का हाल नहीं कर रहा। मुझे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, मुसा बूढ़े हो गए हो, ये वाइट वाइट बाल निकल आए तुम्हारे, अब ये तो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, ये तो सुभान अल्लाह यान की थ्रो, यान में ऐसे चाहता भी नहीं कोई उसका कैच पकड़े, इसलिए गलत थ्रो करेगा। शियान भी बड़ी देर बाद आया आज और कैच खेल रहा है, ठीक हो यार शियान भी, उसे हाँ वो कह रहे हैं हाँ पता है, ओ कैच साथ ही कैच, आज इनका कैच यार अभी जेन्युइन बात है, अभी व्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया था, अभी मैं निकला ही हूँ और जो अब्दुल्ला ने कैच पकड़ा है और लिटरली ऐसे कैच पकड़ा, ऐसे एक हाथ 100 कैच था लिटरली, ये ओए 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 बहुत आला, अबकर अबकर शॉर्टली द वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट्स यार, इतने अपसेट
स्टार्ट विद द बिगेस्ट अपसेट, लेकिन वो तो हमारी कल बात हो गई थी। लेकिन यार इतने अपसेट थोड़े ना होने चाहिए, इतना हैवी अपसेट। वेस्ट इंडीज टू टाइम चैंपियन टीम, काली आंधी बोला जाता था जिसे, वो क्वालिफाई नहीं हुई सुपर 12 के लिए। और यू क्रेजी, ये क्या हो रहा है यार, ये कौन सा वर्ल्ड कप हम देखने वाले हैं? क्या ये वर्ल्ड कप नया कोई विनर तो नहीं लाने वाला है? क्योंकि जो पुराने चैंपियंस है वो तो इसमें नजर ही नहीं आ रहे कहीं भी। वो वेस्ट इंडीज की वो टीम नजर ही नहीं है। वेस्ट इंडीज करते हैं चिल माहौल में खेला, उनकी अपनी गलतियां भी थी, और वो ने इतना बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ा यार, इतना तो नहीं हो सकता। उर्दू देख रहे हो ऐसे भाई की कैसी लेवल की निकल रही है। लेकिन जोक सा पार्ट यार, मैं लिटरली हैरान हो गया। वेस्ट इंडीज जीते ना जीते, वो जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है ना वेस्ट इंडीज का फैन, वो पूरी दुनिया ही है। उनका माइंड सेट, उनका प्ले खेलने का जो तरीका है पूरा, वो दुनिया उस चीज की फैन है। और वो टीम नहीं खेली स्कॉटलैंड से, नहीं वो किससे, आयरलैंड से आर्ग्यू, क्या कन्विंसिंगली आयरलैंड जीती है यार वो वाला मैच, इजीली जीत चुकी है। और उनका पॉल स्टर्लिंग जो तो अच्छा, हालांकि अच्छी फॉर्म में नहीं था, लेकिन उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा दी। अब पता नहीं क्या वर्ल्ड कप में होने वाला है ब्रो। हाँ भाई, शाम हो गई है और ये क्या, कोई चक्कर ही नहीं क्रिकेट का, ना इधर ना उधर। लेकिन ये कौन नजर आ रहा है? बैन डंग नजर आ रहा है, हसीम नजर आ रहा है, ये अपने ध्यान फिर रहे हैं। इनसे पूछता भाई कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, अहमद किधर है? हाँ भाई, खेल क्यों नहीं रहे क्रिकेट? ना कोई नजर ही नहीं आ रहा। किसकी? मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं खेल रहा, तुम लोग तो खेलो ना यार। बच्चा ही नहीं आ रहा, असल बात ये है ना कि कोई आ नहीं रहा, इसलिए कोई खेल नहीं रहे। अभी मैं थोड़ी देर पहले निकला था, वहां पे ना अंकल वो वाले डांट रहे थे, तब तू अंदर चला गया था, उन्हें डांट पड़ी है उधर से, अंकल के मना कर रहे थे कि नहीं खेला। लेकिन आज जरा बैंडंग से पूछा, बैंडंग जुमा पढ़ने क्यों नहीं आया, जरा बताना यार जरा क्या सीन हुआ, कहाँ पर, ओए होए कैसे इंजरी हुई? शान मसूद की तरह तो नहीं हो गया आपको? शान मसूद तो क्या हो गया, कह रहा शान मसूद की तरह हो गया। हसीब इसे क्या हुई है जरा बताओ। हाँ हसीब को तो नहीं पता, वो देख तुम्हारे मेहमान आ गए, तुम अपने घर जाओ भाई, कोई भी नहीं खेला, सर्दियाँ आए नहीं जाना, तो सर्दी आगे कह रहे हैं, मैंने नहीं जाना, मेहमानों को आने दो। और यार मैं भी अंदर जा रहा हूँ, सर्दी आगे, मुझे लग रहा है जो सर्दियों वाली शाम नहीं होती खामोशी मोशी वाली, हमारी भी वो शुरू होने। लेकिन लेकिन अभी हो रहे हैं बच्चों के पेपर्स, और श्यान भी मुझे मिला था, कहते तेरे खत्म हो गए, सबसे पहले मेरे सीट के खत्म हो गया, दूसरों के जैसे खत्म होंगे ना, हफ्ते दो हफ्ते तक मैं बता रहा हूँ, सात सर्दियों की छुट्टियां भी नहीं, अभी थोड़े ना स्टार्ट होंगे, वो दिसंबर में गए साइकिल लम्बा दी भाई, हफ्ते दो हफ्ते तक यहाँ पर जो सीन होना है क्रिकेट का, हैवी होना है, मुझे लगता है, मुझे लगता है क्रिकेट, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि पेपर हो रहे हैं, पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद ज्यादा मजा आएगा, सारे खेलेंगे। हिस्टोरिकल विन फॉर जिम्बाब्वे, जहां इतने सारे अपसेट्स हो रहे थे, ये हिस्टोरिकल मूवमेंट जिम्बाब्वे के फैंस को मिल चुके हैं। फैंस जिम्बाब्वे के बहुत खुश होंगे, और खुश है होना बनता भी है। आज तक जिम्बाब्वे पहुंची नहीं थी वर्ल्ड कप में, और दे आर इन सुपर 12, और अब स्टार्ट होने वाला रियल मुकाबला जिम्बाब्वे ने। बड़े अच्छा मैच हुआ स्कॉटलैंड के साथ, लेकिन ऑल ऑफ द सडन जो जीता वो आगे पहुंचा और जिम्बाब्वे जीत गई। सिकंदर रजा की जो खुशी थी वो नजर आ रही थी, वो जो था ना देसियों वाला हमारा पाकिस्तानियों वाला जज्बा, वो नजर आ रहा था सिकंदर रजा के अंदर। वो भाई उस वो बंदा असल मुझे लग रहा है जिम्बाब्वे की पूरी टीम उसके राउंड घूम रही है। मुझे नहीं समझ आती उसे कैप्टन क्यों नहीं बना देते, डिजर्विंग तो मुझे लगता है वही करता है। लेकिन नो डाउट कि उन्होंने जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेज दिखाई, और जिम्बाब्वे सिकंदर रजा की परफॉर्मेंसेज ऐसे उठे उठा नजर आ रहा है। तो अब हो चुके हैं हमारे सारे ग्रुप फाइनल, तुम्हारे ग्रुप में आई थिंक सो आ चुके हैं आयरलैंड और जिम्बाब्वे। तो इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम को हम अंडररेट नहीं करने वाले। जैसा कि अपसेट शुरू से आ रहे हैं ना वर्ल्ड कप में, कोई भी बड़ी टीम समझ नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ छोटी टीम को अंडररेट करना ही नहीं ना इस वर्ल्ड कप में, छोटी टीम मुझे लग रहा है ये वर्ल्ड कप कोई नया ही चैंपियन लाने वाली है, ये मार्क कर लो मेरे वर्ड्स को, कोई मैं ही नहीं जिससे भी पूछो वो बीमारी चल रहा है। तो मौसम ही कुछ ऐसा बना हुआ है जिससे बीमारी हो रही है। लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए इंटरेस्टिंग न्यूज भी आ रही है, मजे की न्यूज भी आ रही है रिगार्डिंग पाकिस्तान वर्सेज इंडिया मैच, कि बारिश के चांसेस थोड़े कम हो रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं भाईजान बारिश के चांसेस कम ही, क्या बारिश के चांसेस जीरो हो जाए और हमें मैच देखने को मिले। बस ईद था भाई, जुमे का दिन होता है ऐसे अच्छे मजे से गुजर जाता है, बस जुमे के दिन ईद की तरह गुजारना चाहिए। तबीयत जिस तरह की खराब है ना, जिस वजह से कोशिश तो बहुत कर रहे हैं एक्टिव होने की, लेकिन हुआ नहीं चाह रहा, डिले करना पड़ा तबीयत की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं,
प्लान्स कल पे डिले कर देंगे, तबीयत को सही होना चाहिए। तो आज वीडियो करते हैं यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लो, दुआ करो इंशाल्लाह कल तबीयत सही होती है तो मज़े का ब्लॉग बनेगा। जस्ट तबीयत पे है सारा डिपेंड।